Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं Mix with Vasudev। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगेन मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक की जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिटरेट और सैंपल रेट क्या होते हैं और उन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग के टाइम पे कितना रखना चाहिए हमें बिटरेट और सैंपल रेट। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम एक बेसिक डिफरेंस की बात करें तो आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हो कि आपका सैंपल रेट जो है वो होता है आपका FPS जो हम वीडियो एडिटिंग में देखते हैं, विच इज कॉल्ड फ्रेम्स पर सेकेंड। सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि जितना ज्यादा FPS होगा, जितने ज्यादा फ्रेम्स होंगे एक सेकेंड में, उतनी ज्यादा आपकी ऑडियो में स्मूथनेस आएगी, प्लस उतना ही ज्यादा आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, स्लो डाउन कर सकते हो। इन द सेम वे जितना ज्यादा सैंपल रेट होगा आपकी ऑडियो का, आप उसको उतना ही ज्यादा चेंज कर सकते हो, उतना ही ज्यादा एडिट कर सकते हो बिना उसकी क्वालिटी में लॉस लाए हुए। प्लस जितना ज्यादा आपका सैंपल रेट होगा, दैट मींस उतनी ज्यादा स्मूथ होगी आपकी ऑडियो, उतनी ज्यादा डेप्थ आएगी आपके कंटेंट में। यहीं पे अगर हम बात करें बिट रेट की, तो बिट रेट को आप लोग देख सकते हो रेजोल्यूशन की तरह। तो हम लोग YouTube पे वीडियोस देखते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा 144p, 360p, 480p, 720p, तो ये सारे रेजोल्यूशन होते हैं। सो दैट मींस जितना ज्यादा आपका अगेन रेजोल्यूशन होगा, उतनी ज्यादा शार्प दिखेगी आपको वीडियो, यानी उतना ही ज्यादा आप ओरिजिनल के क्लोज देख पाओगे उसको। सो ऑडियो के टर्म्स में आपका जो बिटरेट होता है वो अफेक्ट करता है आपकी डायनेमिक रेंज को, यानी कि जितना ज्यादा बिटरेट उतनी ज्यादा डायनेमिक रेंज होगी आपके ऑडियो में। सो अब अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस की तरफ चलें, तो सैंपल रेट आपको नाम से ही पता चल गया होगा, सैंपल्स का रेट यानी नंबर ऑफ सैंपल्स दैट आर ट्रांसफर्ड पर सेकंड। एक सेकंड में जितने सैंपल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जितने सैंपल्स कन्वर्ट हो रहे हैं डिजिटल ऑडियो में, उसको हम बोलते हैं सैंपल रेट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखने की जरूरत है कि जिस भी फ्रीक्वेंसी को आपको सैंपल करना है, उसके लिए आपको एक सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी की जरूरत है जो कि डबल होती है उस फ्रीक्वेंसी के जो आपको कैप्चर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 20 kHz यानी 20,000 Hz को कैप्चर करना है, तो आपको उसकी डबल सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, विच इज 40,000। तो ये नाइक्विस्ट थ्योरम से आते हैं हमारे पास। तो नाइक्विस्ट थ्योरम जो है वो कहता है कि आपकी जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए ट्वाइस ऑफ जो भी आपकी हाईएस्ट ह्यूमन लिसनिंग रेंज है। इन शॉर्ट, आप जिस भी फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करना चाहते हो, जो भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको लेना है डिजिटल में, आपको मेक श्योर करना है आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो है, आपका सैंपल रेट जो है वो डबल होना चाहिए। यानी इन शॉर्ट, जो हमारी ह्यूमन ऑडिबल रेंज होती है वो होती है 20 Hz से 20,000 Hz तक, जिसको हम 20 kHz भी बोलते हैं। दैट इज द रीजन जो आप पहला सैंपल रेट देखते हैं जिसपे हम सैंपलिंग कर सकते हैं, जिसपे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो होता है 44.1 kHz। सो बेसिकली कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से इन लोगों ने इसको सेट किया, एंड सिमिलरली उसके बाद आपको दिखता होगा 48, 96, 88.2 एंड सो ऑन। काफी सारे इंटरफेसेस हैं जो 192 तक भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि हायर सैंपल रेट्स पे रिकॉर्ड करने का क्या एडवांटेज है और उसका नुकसान क्या है। इसी के साथ अगर हम लोग चलते हैं बिट रेट पे, या फिर बिट डेप्थ के नाम से आप लोग जानते होंगे, तो बिट रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डायनेमिक रेंज। इसको इन शॉर्ट इस तरह से देख सकते हो, अगेन बिट रेट है, दैट मींस नंबर ऑफ बिट्स जो एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम बिट रेट कहते हैं। और बिट्स को आप इस तरह से भी देख सकते हो, बाइनरी डिजिट्स, जो वंस और जीरोस आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर लैंग्वेज में। दैट इज बिकॉज एनालॉग ऑडियो में अगर हम डील करते हैं, हम हार्डवेयर में अगर डील करते हैं, तो सैंपल रेट बिट रेट जैसा कुछ भी नहीं होता। सैंपल रेट बिट रेट का इंट्रोडक्शन होता है जब हम डिजिटल ऑडियो में आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस होते हैं 8 bit, 16 bit, 24 bit एटसेट्रा। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं, ये क्या आपको सिग्निफाई करते हैं, इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि 1 bit जो है वो 6 dB के इक्वल होता है डायनेमिक रेंज के। दैट मींस जो आपके 8 bit हो गए वो हो गए 48 dB ऑफ डायनेमिक रेंज, और 16 bit जो है वो हो गए 96 dB ऑफ डायनेमिक रेंज। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को नोट करने की जरूरत है वो ये है कि जितना भी ज्यादा आप सैंपल रेट और बिट रेट रखेंगे, डेफिनेटली आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, लेकिन एक नुकसान जो होगा वो होगा आपकी CPU यूसेज पे। बिट रेट से तो ऑल्दो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके CPU पे, लेकिन अगर हम सैंपल रेट की बात करें, तो जैसे जैसे आप सैंपल रेट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे CPU जो है आपका उस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, हेंस आपका जो सिस्टम है वो लैग करना शुरू कर देगा और आप ज्यादा ट्रैक्स पे काम नहीं कर पाओगे एक बारी में। तो अगर हम लोग समराइज करें और डिस्कस करें कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है हायर ऑडियो रेजोल्यूशन पे अपनी ऑडियो को केटर करने की, अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड मिक्स मास्टर करने की, तो सबसे बड़ा पहला एडवांटेज तो यही है कि जितना भी ज्यादा आप सैंपल रेट और बिट रेट को रख सकते हैं, आपकी क्वालिटी और आपका आउटपुट भी डेफिनेटली बेटर होगा। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि आपके जो प्लगइन्स हैं वो भी बेटर काम करेंगे हायर सैंपल रेट्स पे। अगर आप लोग उनका मैनुअल पढ़े, तो काफी सारे प्लगइन्स में बताया गया है कि ज्यादा सैंपल रेट पे उनकी प्रोसेसिंग जो है
वो चेंज हो जाती है एंड हिंस आपके जो रिवर्ब्स है ईक्यूज है आपको उनके साउंड में भी थोड़ा सा फर्क पता चलेगा। एट लास्ट जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी हम मैनुअल पिच करेक्शन करते हैं, जब भी हम टाइमिंग चेंज करते हैं ऑडियो सिग्नल की, तो जब भी आप वो चीज करेंगे तो आपकी ऑडियो जल्दी नहीं खराब होगी, जल्दी डिस्टॉर्ट नहीं होगी, जल्दी आर्टिफैक्ट्स नहीं क्रिएट होंगे। रादर अगर आप हायर ऑडियो रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो आप उसको ज्यादा एक्सटेंड तक भी मैनुपुलेट कर सकते हो। बट इस सब का सेंटर एक ही जगह पे आता है कि आपका सिस्टम पावरफुल होना चाहिए, बिकॉज सिस्टम अगर लैग कर रहे हैं तो ग्लिचेस आने के ज्यादा चांसेस हैं, प्लस आप लोग काम ही नहीं कर पाओगे, तो उससे बेटर है कि आप कम सैंपल रेट कम बिट रेट पे रिकॉर्ड कर लो। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट गाइस। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाओ तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट। I'm not going to be able to do that.